रहा था इसके दाने किस प्रकार से होते हैं, छोटे छोटे वाले। तो इसको अभी मैं खेत में फेंक दूंगा, पूरे खेत में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग चैनल में। तो भाई आज सुबह से बारिश लगी थी, अभी 6 बज रहे हैं सुबह के, और आज मैं जा रहा हूं भाई पलटे बोने के लिए गांव की तरफ। मैं दिखाते हैं भाई क्या क्या होता है गांव की तरफ आज। और गांव में बहुत सारे लोग खेत भी होते हैं, और हम भी वहाँ पर एक साथ पलटे लगाएंगे, पलटे बो रहे हैं सारे लोग। तो आज हम भी बैल ले जा रहे हैं उधर को। सो गाइज मैं आ चुका हूँ भाई अपने इस वाले खेत में, और आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला खेत है हमारा। अब बैल को लगा भाई मैं यहाँ पे क्या ला रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ पे जो है ये भाई पलटी का बीज है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसको बोलते हैं भाई पलटी, हमारे पहाड़ में बोई जाती है, ओकल भी बोलते हैं इसको शहर की भाषा में। तो इसकी रोटी भी बनाते हैं, कभी रोटी बना के दिखाऊँगा आप लोगों को। तो इसको अब मैं खेत में बो रहा हूँ, इसको बीज फेंक देते हैं इसके, और फिर हल लगा दो। उसके बाद फिर इसके ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं बढ़िया तरीके से, हाथ से डालते हैं ऊपर से मिट्टी, मतलब छों छाप बोलते हैं ना, छों छाप करते हैं। और फिर उसके बाद आप देख सकते हो, पहले मैं स्पेशली आपको पलटी के बीज दिखा रहा था, इसके दाने किस प्रकार से होते हैं, छोटे छोटे वाले। तो इसको अभी मैं खेत में फेंक दूँगा, पूरे खेत में, और दिखाता हूँ भाई आगे कैसे होता है, क्या क्या होता है। तो बने रहे भाई सोमन दानो ब्लॉग्स के साथ। सो गाइस इस वाले खेत को हमने आधा कर दिया है, लेकिन तगड़ी वाली बारिश लग चुकी है यहाँ पे। तो अभी मुझे निकलना पड़ेगा बैलों को लेकर के घर की तरफ, क्योंकि हमने उस वाले खेत को तो जल्दी ख़त्म कर दिया था, लेकिन इस वाले को भी ख़त्म करने का विचार था जल्दी बो करके, पलटी बो करके। लेकिन अब क्या करें भाई, इंद्रदेव साथ नहीं दे रहे अभी, तो ये भी क्या है, प्रकृति का नियम है। और पहाड़ों में भाई बारिश कभी भी लग सकती है, तो ये भी ख़त्म, ये भी पूरा नहीं हो पाया ये खेत। आप करेंगे भाई कल आएंगे यहाँ पे। आप देख सकते हो भाई ये वाला खेत भी कितना मेरा बंज गया है, मतलब झाड़ मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ पे घास फूस मेरे कुटकी के खेत में, क्योंकि भाई मेरा काम जड़ी बूटी का है। तो मैं अपने खेतों को देखने के लिए यहाँ ऊपर वाले खेत में भी आ गया था अभी। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से इसमें भी बड़े बड़े खरपतवार हो गए हैं, तो इसको भी निकालना पड़ेगा। यहाँ भी भाई बोलना पड़ेगा उनको, मैं जो काम करते हैं मेरे यहाँ उनको। तो यहाँ भी दिखाते हैं, यहाँ भी दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ आपको अपने ब्लॉग्स के माध्यम से। तो भाई तकड़ी वाली बारिश लगी, नहीं तो मैं आधे से ज़्यादा तो अभी निकाल देता इसमें से खरपतवार। कुछ तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया है आप देख सकते हो, और फिर इसको आज शायद दिन में आएंगे अगर बारिश बंद होती है, नहीं तो फिर कल तो ये निकालना ही पड़ेगा। तो अभी तो भारी बारिश आ गई है, तो अभी चलना पड़ेगा मुझे घर में, क्योंकि बारिश में काम तो हो नहीं पाएगा, और छाता भी नहीं ला रखा हूँ मैं। तो अभी चलते हैं भाई घर में, और फिर दिखाते हैं घर में क्या क्या हो रहा है आज। 3 hours later. गाइस उसके बाद तगड़ी वाली बारिश लग गई थी खेत से, और अभी उसके बाद भाई बहुत भीग गया था मैं आते समय। तो उसके बाद मैंने घर आ करके खाना खाया, उसके बाद थोड़ा सा सो गया था 1-1.5 घंटे, तो वो तो हमारा आजकल रेगुलर होता है थोड़ा सा सोना। तो अब मैं आ चुका हूँ भाई अपने किचन वाले रूम में, और अभी चाय बना रही है मम्मी यहाँ पे, आप देख सकते हो आज तो गैस में बन रहा है चाय। तो पहले चाय पीते हैं और फिर चलते हैं भाई दूसरे वाले खेत में कुटकी लगाने के लिए। तो चाय का मज़ा लेते हैं भाई थोड़ा सा दिन में, और फिर चलते हैं भाई खेत में काम करने के लिए। अभी चाय का मज़ा ले रहे हैं। बरसात में चाय पीने का मज़ा कुछ और ही होता है, तो अभी चाय पीते हैं। सो गाइस मैं आ गया हूँ इस वाले खेत में, अब इस वाले खेत को लगाना है यहाँ से ऊपर के लिए, और मैंने इन वाले खेतों में लगा रखा है, एक इसमें लगा रखा है, एक उसके नीचे, एक उसके नीचे, तीन खेत इधर हैं, और एक इस वाले को लगवाना है। इसमें पौधे ला रखा हूँ मैं अभी भर करके, आप देख सकते हो ये पौधे हैं कुटकी के। और इस वाले में अभी कल परसों तक कंप्लीट करना है, और एक खेत हमारा मेन गाँव की तरफ तैयार हो रहा है, वहाँ भी लगवाना है एक और खेत में। तो कुल मिला के मेरे इस बार हो रहे हैं 3-4 खेत हो रहे हैं,
मतलब तीन ये हो रहे हैं नीचे वाले, और एक गांव में हो रहा है, एक छोटा सा नीचे होगा, मतलब अभी लास्ट में लगाएंगे उसको हम। और चार खेतों में अराउंड हम कट के लगाएंगे इस बार। और मेरा एक अखरोट का पेड़ है यहाँ पे, आप देख सकते हो, प्योर दादा खोड़ है ये, मतलब प्योर अखरोट है जिसको प्योर बोलते हैं हमारे घर के पास में, दादा खोड़ अखरोड़ बोलते हैं इसको। तो अब यहाँ पे लगाना है, और इसमें तो खरपतवार भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो मैं यहाँ से लगाता हूँ इधर खरपतवार वाला, जहाँ पे ज़्यादा झाड़ और का है वो मम्मी लगाएगी, उसमें बढ़िया महिलाएं बढ़िया तरीके से निकालते हैं उसमें से, तो मैं लगाऊंगा भाई यहाँ पे जहाँ साफ है, मतलब थोड़ा सा सही हो जाता हमारा। तो ये कहानी है भाई मेरी कुटकी की, तो आज के लिए पौधा लगता है। तो भाई मैं तो लगा रहता हूँ खेतों में काम करते हुए, और आई होप आप लोग भी अपनी अपनी जगहों पे कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, मेरे दोस्त हो चाहे जो भी मेरे व्यूअर हो। तो भाई लगे रहो भाई काम में, क्योंकि भाई काम करना ही पड़ता है ज़िंदगी में। अभी मैंने फ़िलहाल बनियान पहन ली है, क्योंकि भाई अभी बारिश लग गई थी तगड़ी वाली, तो अभी ठंडा हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ों में अब भाई ठंडा होने लगा है यहाँ पे। तो मैं उस वाले खेत में पौधे लगा रहा हूँ, और मम्मी उस वाले फिर दूसरे वाले खेत में जहाँ मैंने कल दिखाया वहाँ पे पौधे काट रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई पौधा लेने, क्योंकि मेरा पौधा ख़त्म हो गया है, और वहाँ पे कितने पौधे काटे मम्मी ने अभी दिखाते हैं, और फिर वहाँ से लाते हैं पौधे और उस वाले खेत में फिर से लगाते हैं। तो अब भाई मैं इस वाले खेत में पहुँच चुका हूँ, यहाँ पर मम्मी भाई पौधे काट रही है। तो मम्मी कितने पौधे काटे अभी तक आपने? काट दिए 500-600? 800। वैसे आपको ठेका दिया जाए एक दिन का, कितना पौधा काट लोगे आप? 50-60 का। इतना काट लोगे भाई? कौन सी टेक्निक है भाई आप इतनी? तेरे जैसे काम चोर थोड़ी हूँ मैं। मैं कौन सा काम चोरी करता हूँ? काफी किया मैंने काम चोरी। पौधे आप काट रहे हो, मैं लगा रहा हूँ, और क्या काम चोरी होती है इसमें? अगुली का बुढ़ पिता और इस वाले कट्टे में अभी पौधे काट दिए हैं मम्मी ने, इसको ले जाना है मेरे को अभी उस वाले खेत में। तो इस वाले खेत में भाई छोटे छोटे पत्थर भी बहुत सारे हैं, क्योंकि ये वाले पत्थर जो हैं ये पूरे छाड़ने पड़ेंगे अभी मेरे को, क्योंकि ये वाले पत्थर अगर इसके अंदर रहेंगे तो बार बार बाद में कुदाल में लगेंगे,